हाँ जी मेरे चटोरो, किदा वधिया? आपा भी वधिया, उम्मीद करते हैं तुसी भी वधिया होगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत बढ़िया सी वीडियो, चौपाटी स्ट्रीट फूड। तो पश्चिम बिहार में लोकेटेड है इनकी शॉप। तो चौपाटी का स्ट्रीट फूड मिलता है इनके पास। इनकी पाव भाजी मिलती है बड़ी लाजवाब, इनका वड़ा पाव वाकई में बड़ा लाजवाब, और इनके पास काफ़ी सारी आइटम है। तो इनकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या है इनकी कहानी, सुनेंगे इनकी जुबानी, चलो मेरे साथ। मैं सीमा सिंगल हूँ और कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ। कलकत्ता से आए मेरे को, अभी मैं यहाँ आई हूँ 2003 में। 12 साल की एज में मेरी मदर की डेथ हो गई थी और फादर मेरे बीमार रहते थे, और मेरे से छोटी से मेरी सिस्टर थी, उनकी भी लायबिलिटी थी और काफ़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, मतलब करते करते, जैसे कुकिंग करना, घर का काम करना, ये मेरी उस वक्त तो जिम्मेदारी थी, बाद में ये करते करते एक हॉबी बन गई। जो कि मेरे अंदर ये एक हुनर था कि मैं अच्छी कुक हूँ और अच्छी कुकिंग कर सकती हूँ, तो मैंने इसको एक कमाने का जरिया बनाया, जिससे हमारी इनकम भी होती है और हमारी इच्छा भी पूरी होती है, क्योंकि मैं किसी को खिला के बहुत खुश होती हूँ। देखते देखते जब हमारी एज 18 साल की एज में आते ही हमारी शादी हो गई थी, पर मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि बहुत अच्छे हस्बैंड मिले थे, हम दोनों ने बहुत मेहनत की। दिल्ली भी जब हम 2003 में आए तो हमारे हस्बैंड और मेरी बेटी, एक थी, एक ही बेटी है, उसने बड़े ही, दोनों ने ट्यूशन पढ़ा करके अपनी गृहस्थी को संभाला। उस वक्त मैं गृहस्थी संभालती थी और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मिलकर ट्यूशन करती थी। तो ये ट्यूशन करते करते ही ये लाइफ चलती चलते, फिर एक टाइम आया कि मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ करूँ, मैं क्यों ना मेरे हस्बैंड का साथ दूँ। तब मेरे को लगा कि मेरे अंदर ये कुकिंग है जो मैं अच्छी कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इस लाइन में आई। और आज भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और इतने अच्छे से मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरी बेटी भी सपोर्ट करती है, तभी जा करके आज मैं आप लोग तक अपनी चीज़ें पहुँचाना चाहती हूँ और अच्छी क्वालिटी में ही देना चाहती हूँ। अच्छा सोच था कि लोगों तक मेरा फूड पहुँचे और वो भी प्योर पहुँचे, तो मैंने इसके लिए खुद मसाले भी, हम जो यूज़ करते हैं, जो हमने चीज़ें बनाते हैं, वो हमारी खुद की बनाई हुई चीज़ें होती है, कोई भी बाहर से हम नहीं, किसी प्रकार की भी बाहर की चीज़ें नहीं लाते हैं, मसाले से लेके हर चीज़ हमारी खुद की होती है। अब सबसे बड़ी पहली बात ये आती है, कुछ लोगों का कहना है कि आप और भी तो काम कर सकते थे, बट हमारी एक प्रॉब्लम रही है, वो है मेरी कोई भी एजुकेशन नहीं है, कम से कम, मतलब ये समझ लो 3-4 क्लास मैंने पढ़ा हुआ, क्योंकि हमारी मदर और फादर की हमारी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल, हम नहीं अफोर्ड कर पाते थे। तो आज सरकारी जो स्कूल है उनमें जितनी पढ़ाई हुई, फिर 12 साल की एज में मदर की डेथ हो गई, तो वो भी नहीं हो पाई, जो थी वो भी छूट गई उसके बाद की, तो ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर आई उस चीज़ को लेकर के मेरी सब कुछ छूट गई। और छूटने के बाद मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, अपनी छोटी सिस्टर थी उनको पालने के लिए, जो हमसे हो सकता था वो ये था कि मैंने अपनी गृहस्थी को आराम से निभाने के लिए उसमें चली गई। पर वो बहुत अच्छी बात है कि आज मैं चाहती हूँ कि इससे मेरे को एक चीज़ प्रेरणा मिली है ज़रूर, कि बंदे को कभी नहीं हारना चाहिए, जो भी वक्त आए, जैसा भी वक्त आए, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये मेरे अंदर है हुनर कि मैं लोगों तक अपनी क्वालिटी जो हमारे अंदर है कुकिंग की, वो अच्छे से अच्छे करना चाहती हूँ और अच्छे से अच्छे पहुँचाना चाहती हूँ, ये हमारा मकसद है। ये देखिए, मैं आप
देखा कितने काजू डाल के इन्होंने बनाया है। ये देखो इसकी काजू, वो देखो इसकी भाजी, देखो कितनी लाजवाब है। आपको जितने मटर नज़र आ रहे हैं ना, उससे ज़्यादा आपको काजू नज़र आ रहे होंगे। और टोटल प्रिपरेशन अमूल बटर में, क्या बात है जी। और साथ में इन्होंने दिया जी प्याज, नींबू और हरी चटनी। तो हम स्टार्ट करेंगे वड़ा पाव से। वड़ा पाव हमने इसका इनका लिया नॉर्मल वाला जो होता है। देखो जी वड़ा, होगी बाइट तैयार। अब ये जाएगी मेरे मुंह में। चटनी डाल के और प्याज डाल के नींबू डाल के ना, टेस्ट बड़ा ही लाजवाब लग रहा है। तो इस चीज़ को मैं फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ खाने के बाद। तो इनकी मैंने चौपाटी स्पेशल पाव भाजी थी, बड़ी लाजवाब थी। और इनका वड़ा पाव बहुत ही लाजवाब, दबेली एक नंबर। इनका फूड बहुत ही लाजवाब था। तो आंटी के हाथों में मैं कहता हूँ जादू है, बड़ा टेस्टी फूड बनाती है आंटी। और आंटी की कहानी भी आपने सुनी, बड़ी स्ट्रगल भरी है। तो इस चीज़ को आपने एंजॉय करना तो पश्चिम बिहार में आना पड़ेगा। ये मेरी उंगली जहाँ देख रहे हो सामने ज्वाला एडी मार्केट, उसके अपोजिट हल्दीराम, उससे अंदर जैसे भी आप आओगे ना तो इसके सामने ही इनकी, ये देखो ये चौपाटी स्ट्रीट फूड के नाम से दुकान है। मैं लोकेशन आपको समझा ही दी है। इनकी दुकान की जो टाइमिंग है ना, इनकी दुकान की टाइमिंग जो है 1 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक होती है। तो वेडनेसडे को ऑफ होता है। तो कभी भी आप आओ, नहीं आ सकते हो तो इनको स्विगी और जोमेटो पे भी ऑर्डर कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह कुछ नई वीडियो लेके मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।